नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ये आपका बिल है सर, मैं ये पे नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मैं पे करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। फिर आप इतने महंगे रेस्टोरेंट में आखिर आए क्यों? मैं अपने पास को जीना चाहता था। एक वक्त था जब मैं बहुत अमीर था, लेकिन अब सब बदल गया है, बर्बाद हो गया। मैं बर्तन साफ कर सकता हूँ या फिर पोछा लगवा लो मुझसे। देखिए, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल बहुत ज्यादा है। तो फिर पुलिस को बुला लो टॉम। पुलिस नहीं बुला सकता मैं, वो आपको अरेस्ट कर लेंगे और या शायद जेल में भी डाल दें। हाँ जरूर। सर, मैं आपका बिल पे कर देता हूँ। ठीक है, रुको, आप इसे एक उधार समझ लीजिए। ये मेरा नंबर है, बस आप मुझे कॉल कर लेना जब आप पैसे वापस करना चाहें। ठीक है, अगर कॉल नहीं किया तो फिर आप इंसान नहीं है। ब्रावो बॉय। मेरा नाम है रिचर्ड गोल्डबर्ग। रिचर्ड, क्या एक फोटो ले सकता हूँ? जरूर। थैंक्स मैन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फोर्ब्स अंडर 50 वाले इंसान के साथ बैठ के लंच करूंगा। ये देखो। आज रात का शो मिस मत करना मेरे साथ। मुझे माफ करिएगा सर, लेकिन ये तो शुरुआत है। 15,000 डॉलर्स, आखिर ये क्या है? तुम्हारी टिप है। तुम्हारा दिल सोने का है टॉम, बाकी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मेरे साथ काम करोगे? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ। तुम्हारे पास 5 मिनट है, बाकी बातें ऑफिस जाते हुए कर लेंगे। 5 मिनट। फाइनली, कहाँ थे तुम अब तक? नहीं, सुनो, हटो। टॉम, तुम इतनी देर से टेबल नंबर 8 पर क्या कर रहे थे? काम करो। सुनो, क्या तुम जानते हो उस टेबल पर अभी कौन बैठा? नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। पूरा रेस्टोरेंट फुल है, ये टेबल नंबर 3 पर लिखा बैठा था रिचर्ड गोल्डबर्ग। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तो क्या कहोगे तुम इस बारे में? $15,000 तुम्हारे नाम पर। ओके, और रिचर्ड गोल्डबर्ग ने अभी अभी मुझे एक जॉब ऑफर किया। ओके टॉम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस बारे में तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने के बाद बात करेंगे, ठीक है? कल मेरी छुट्टी है, रात 9 बजे हम बार में बात करेंगे। हम दोनों हर रोज की तरह बियर पियेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ काम की बात करेंगे। ओके, ये ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं रहे, उन्होंने मुझे बस 5 मिनट ही दिए हैं। और टॉम, तुम सीरियस हो? तुम मेरी बात सुनो, आज हम फुल हाउस है, 1 घंटे में बैंक्वेट है और काम छोड़ रहा हूँ। देखो टॉम। क्या? मैं अभी के अभी काम छोड़ रहा हूँ। टॉम सुनो, आराम से बात सुनो, बस रिलैक्स हो जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। जरा वहाँ देखो, वहाँ पर देखो। रुकिए रुकिए मॉम, यहाँ पे बहुत काम है। मैं आपके बर्थडे में आने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, मैं अभी फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है, बाय। फिर से बनाओ। लेकिन मैंने कहा फिर से बनाओ ये डिश। कोई चॉइस नहीं है टॉम, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं आज रात तक काम करने की कोशिश करूंगा। ये ठीक है। ओके, ये टेबल नंबर 10 के लिए है, ये लो। चलो चलो, थैंक यू टॉम। और क्या है? मुझे तो लगा तुम बाहर ही नहीं आओगे। तो चलें। सर, मैं चलना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है। क्या आप मेरी शिफ्ट के एंड तक वेट करेंगे? क्या खत्म होने का? मेरी शिफ्ट होने तक। आज बहुत लोग आए हैं और मुझे सबकी मदद करनी है। तो तुम चाहते हो कि मैं पूरा दिन इस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहूं और तुम अपना काम पूरा करो? हाँ, ये सुनने में अजीब है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके पास कल आ जाता हूँ आपके ऑफिस में। एक मिनट, क्या तुम्हें अपना ये वेटर का काम इतना पसंद है कि तुम एक सुनहरा मौका छोड़ने को तैयार हो? नहीं सर।
सुनो बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी है कि हम किस तरह के पैसे और मौके की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कुछ $10 मिलियन का। मेरे डैड की डेथ हो गई उसके 2 दिन पहले ही। उनके फ्यूनरल का दिन और मेरी डील का दिन एक ही था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कहां गया था? जिंदगी मुश्किल होती है ना? मैं समझ गया। उम्मीद करता हूं। कहीं जा रहे हो? मैं तो डर गया। तुम ऐसे ही जाने वाले थे बिना हमसे कुछ कहे? सुनो, तुम ऐसे भाग रहे थे टॉमी? देखो मिस्टर गोल्डबर्ग ने मुझे कहा कि मैं। तुमने कहा तो मेरी मदद करोगे। सुनो टॉमी, हम सब तुम्हारे लिए खुश हैं, लेकिन आज हमें सच में तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम उनकी मीटिंग को कल के लिए टाल सकते हो टॉम? या फिर परसों के लिए? नहीं, मैं नहीं रुक सकता। अब मुझसे जलना छोड़ो और मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तंग आ गया हूँ इस जॉब से और मैं तंग आ गया हूँ तुम दोनों से। टॉमी, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? सूज़न, क्या लड़की हो तुम, जानती हो क्या? तुम यहीं पर काम करो, सरती रहना और सोचती रहना कि तुम्हारी माँ तुमसे कितनी खुश होंगी। hey! ये सोच कर कि मेरी बेटी यहाँ काम करती है इस घटिया सी जगह में, और तुम कैसे इंसान हो यार? कोई तुम्हें नहीं चाहता, क्या तुम ये बात जानते हो? सब तुम्हें बस यूज करते हैं, और जानते हो मैंने भी तुम्हें बस यूज ही किया। ये जिंदगी है। ये जिंदगी है, ये सही नहीं है। और प्लीज मुझे मोहरत के बारे में तो बिल्कुल मत बोलना। तो जाओ और अपना अपना काम करो। बात समझ में आई? बाहर बहुत सारे लोग हैं और बहुत काम है, और साथ ही अमीर क्लाइंट्स भी। क्लाइंट्स हैं, बहुत अमीर क्लाइंट्स, बहुत पैसा 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 पैसा। पता है क्या, याद रखना है, जो तुम्हारी जिंदगी है ना, वो वही है जैसे तुम उसे बनाते हो। अब बस, और नसीहत के लिए शुक्रिया। दफा हो जाओ तुम, और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। बॉस, मैं बहुत पैसे कमाने के लिए तैयार हूं। बॉस, मैं उस दिन वहां पर था। आप क्या कह रहे हैं? अपने डैड के फ्यूनरल पर। मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो आपकी पहली डील थी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे अगले दिन बुला लिया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हो गए। और तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अब उस दिन वो नहीं करता तो शायद मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। मेरे डैड बहुत ही मेहनती इंसान थे, वो मुझे ज्यादा कुछ नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे जरूरी चीज दी, अपना दिल। ये सब उनके दिल की ही बदौलत है जो मैंने सब कुछ पा लिया। अगर तुम पैसे के लिए अपनी जॉब छोड़ते हो, दोस्तों को छोड़ते हो, इतना मजा आया। सही कहा। अब सेल्फी लेते हैं। तुम खुद को ही खो देते हो। बॉस प्लीज रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। बॉस रुकिए, मेरी बात सुनिए, मुझे एक मौका दीजिए। रुकिए प्लीज, रुकिए बॉस, वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या सच में? हम जा रहे हैं, जा रहे हैं।